क्या है नंबर, क्या है हमारा पर्ची नंबर क्या? अरे कहाँ ले जा रहे हो? D67 D67 D1 से लेकर भैया। तो जब आप मंदिर आएंगे तो मंदिर आने का जो द्वार है आप वहाँ से आएंगे, वहाँ पे आप जूते जमा करेंगे और फिर आप अंदर जाएंगे, एग्जिट करेंगे, एग्जिट करोगे आप यहाँ से एग्जिट करके आप आओगे तो आपको टोकन नंबर दिया जाएगा, उस टोकन नंबर के आधार पे आपको यहाँ से जूते मिलेंगे। फिर भाई जूते ले रहे हैं हमारे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम अयोध्या राम मंदिर में जा रहे थे, बट राम मंदिर में हमें मोबाइल वगैरह कुछ नहीं ले जाने दिया, सारा सब कुछ जमा करा लिया, सब कुछ हमसे लॉकर में डिपॉजिट करा लिया। वीडियो बन रही है, फोटो लोगे? फोटो लेंगे, वॉलपेपर पे लगाऊंगा अपने, मैं अपनी प्रोफाइल पे लगाऊंगा लोगों को दिखाने के लिए, जैसे लोग लगाते हैं यहाँ पे। नहीं अच्छी जगह लगे, हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। एक्चुअली यहाँ पे फोन ले जाने इसलिए अलाउड नहीं कर रखा, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छी चीज है, मतलब अप्रिसिएशन है इस चीज पे। पब्लिक फोन ले जाती है फिर दर्शन छोड़ के वो रिकॉर्डिंग कर देती है और ब्लॉगर बन जाती है, तो इसलिए उन्होंने फोन ले जाना बंद कर रखा है कि अगर फोन ले जाने दिया तो सब वीडियो बनाएंगे, सब फोटो खींचेंगे और उस चक्कर में वहाँ पे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। मैंने अपना VIP पास का कुछ ज्यादा यूज नहीं करा क्योंकि मेरे पास VIP कोटा था, लेकिन मैंने उसको यूज नहीं करा। मैं आम पब्लिक की तरह दर्शन करना है, आम पब्लिक की तरह दर्शन करके जा रहा हूँ, और आपसे विनती है कि आप आम पब्लिक की तरह तो अच्छा लगता है दर्शन करना। पब्लिक के चलने के लिए बनाया गया, जब धूप पड़ेगी तो ये छाओं का काम करेगा। अभी काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है, काम बहुत तेजी से चल रहे हैं सारी तरफ में, इस तरफ में भी और उस तरफ में भी। मंदिर में आने से पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे अलाउड और क्या क्या चीजें नहीं होती हैं अलाउड, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सो आप वो चेक कर सकते हो यहाँ पे आने से पहले। तो एंट्री का आप करोगे तो ऐसे जाओगे, ऐसे एंट्री करके इधर से फिर आपकी एंट्री, और जब आप एग्जिट करोगे तो इधर से आ करके वहाँ से एग्जिट है, मतलब एंट्री के लिए अलग पॉइंट है और एग्जिट के लिए अलग पॉइंट है। तो ये रोड आ रही है अयोध्या से, और वो रोड जा रही है अयोध्या को, ये रोड जा रही है हनुमानगढ़ी को, अभी हम हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, तो हनुमानगढ़ी को लेकर जा रहे हैं हमें। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं पूरे, यहाँ से हनुमानगढ़ी है लगभग 100 मीटर, तो हमें मुश्किल 5 से 7 मिनट लगने चाहिए वहाँ पहुँचने में। बहुत सारी दुकानें आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो, सामान खरीद सकते हो अपने घर के लिए, हैंगिंग के गिफ्ट आइटम्स काफ़ी सारे, मतलब छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ये रोड आगे जाके लेफ्ट को हमें हनुमानगढ़ी ले जाएगा। अभी हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी, चलते हैं अंदर मंदिर में। दर्शन हो गए हैं, सब निकल रहे हैं यहाँ से हनुमानगढ़ी से, भाई नीचे ही रह गया क्योंकि वो भीड़ देख के थोड़ा सा उस सफोकेशन हो गई, भीड़ ज़्यादा थी तो वो तो नहीं आ पाया, वो नीचे वेट कर रहा है। मैंने कर लिया दर्शन, बहुत पास से दर्शन हुए, चल रहे हैं वापस, आपको भी करा है। तो ये सफाई चल रही है यहाँ पे, जो गंदगी होती है सफाई साफ करके सब कूड़े में डालते हैं। फिर जब आप आओगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, आप कुछ भी ले सकते हो, चूड़ियाँ ले सकते हो, खाने पीने के पॉइंट्स हैं, मैगी पॉइंट है, चूड़ियाँ बहुत मिलेंगी, लस्सी पी सकते हो, और ये पूरा का पूरा मार्केट है, यहाँ से आप बहुत सारी सामान सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? चलो चलो आओ। अगर अयोध्या में मोमोज खाने हो तो यहाँ खा सकते हो, आपको अयोध्या में यहाँ मोमोज भी मिल जाएंगे। सड़कें देख रहे हो कितनी साफ हैं, अगर एक भी कुछ भी कोई कूड़ा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है तो तुरंत उसको उठा के लोग डस्टबिन में डालते हैं। हम यहाँ पे मशीन चला रहे हैं साफ सफाई, ये सरकारी काम करते हैं यहाँ पे ठेकेदार साहब, साफ सफाई का काम दे रहे हैं। बहुत साफ रोड है यार, बहुत साफ रोड है,
चाहे उधर की रोड देखो चाहे इधर की रोड देखो, बहुत साफ रोड है। कितना सुंदर लग रहा है ना ये पेड़, अल्टीमेट यार बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही, नहीं आ रही होगी क्योंकि पीछे का माइक बहुत तेज चल रहा है। यहाँ की जो सड़क के दोनों तरफ जो दुकानें और मकाने हैं उन सबका कलर एक जैसा है, देखो सबने कलर एक जैसा कर रखा है। यहाँ पे भी सबने कलर एक जैसा कर रखा है और सड़क बहुत ज़्यादा साफ कर रखे हैं। यहाँ सिर्फ यहाँ पे टू व्हीलर चल रहे हैं, जो नगर निगम की बसें हैं वो चल रही हैं, बाकी सारा ट्रैफिक बंद कर रखा है, गाड़ियाँ बंद है, बेसिकली ई रिक्शा चल रहे हैं। ई रिक्शा से आप जा सकते हो, जब हम गए थे तो हमने वहाँ से बस ली थी और अब हम जा रहे हैं तो पैदल जा रहे हैं। ये जैसे बस आ रही है आप ऐसे बस में आ सकते हो, ऐसे बस लेकर के आपको जाएगी और आगे जाके छोड़ देगी, ऐसे ये बस आपको वापस भी लेकर जाएगी। बस का जो फेयर है वो 10 रुपये पर पर्सन है, जाने का भी और आने का भी, तो 10 रुपये जाने का 10 रुपये आने का। बट अगर आप पैदल चल सकते हो एटलीस्ट तो आप पैदल भी कर सकते हो, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, 500-600 मीटर का डिस्टेंस है सर। तो पहुँच चुके हैं हम अपनी पार्किंग में, यहीं हमारी गाड़ी खड़ी है। ऐसा लग नहीं रहा कितना सजा रखा है ये पार्किंग वाला, मल्टी लेवल पार्किंग है, कितनी सजी हुई है। कैसा लगा दर्शन? अच्छे हुए, बहुत बढ़िया हुए दर्शन, बहुत बढ़िया। लेकिन ये है कि टाइम नहीं मिला रुकने का, आगे भेजते रहे, चलते जाओ। बट ये है कि आप लाइन में थोड़ा सा देख सकते हो, VIP हो नॉर्मल पब्लिक हो एक टाइम पे सब एक जैसे हो जाते हैं। मान के लिए तो सब एक जैसे ही है, कौन VIP और कौन नॉर्मल। तो ये लिफ्ट से बाहर निकलते ही गाड़ी आ गई हमारी और यहाँ से जो व्यू है यार, क्रेटा वाले भाई ने बिल्कुल चुपका के खड़ी कर रखी है, स्कॉर्पियो वाले ने इतनी जगह छोड़ रखी है और हमने तो भाई यहाँ पे कोई पलंग बिछा के सो जाए इतनी जगह छोड़ रखी है। पता नहीं इतनी आगे क्यों लगा रखी है स्कॉर्पियो वाले ने, जो जबकि उसकी इतनी लंबी गाड़ी है, हमने आगे इतनी जगह छोड़ी हुई और भाई की छोटी है फिर भी चिपका के खड़ी कर रखी है। हो रहा है 8:15, पराठे जो हमने पैक कराए थे वो खा रहे, मजा से खाते हैं ये पराठे, हम अपने खाते हैं अपने पराठे, पराठा बोरा एक पराठा ये रहा, खा के चलते हैं। क्या करें भाई, भूख लग रही है खाने का, मुझे पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे क्या मिलेगा, कितनी दूर मिलेगा, तो ये पराठे जो लाए थे वो खाई रहे। भाई जा रहे हैं कुछ सामान विसर्जित करने के लिए, ये घाट है और अभी हम जाएंगे नया घाट जाना है, वो नया घाट यहाँ से 300 मीटर दूर दिखा रहा है, तो पहले ये डाल देते हैं उसके बाद चलेंगे वहाँ। ये है हमारी जर्नी का फर्स्ट टोल, जब हम रिटर्न लखनऊ वापस जा रहे हैं तो रिटर्निंग टोल पहला है, ये फर्स्ट है हमारा। 2 टोल पड़ेंगे हमें, एक ये है इसके बाद एक और है। जब हम आए थे तो उस साइड से आए थे 120 रुपये का टोल था, वापस जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, तो हमें 180 रुपये देने हैं इन टोटल, मतलब 120 जाने के और 60 रुपये वापस आने के। ये है हमारी जर्नी का सेकंड टोल और आखिरी टोल, जब लखनऊ जाते हैं अयोध्या से तो ये लास्ट टोल पड़ता है, इसके बाद कोई टोल नहीं पड़ेगा। 115 का ये टोल था वन वे का, पर हम टू वे जा रहे हैं, जाते हुए तो कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। टाइम हो रहा है अभी 10:40 और यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन मतलब होटल तक की दिखा रहा है वो दिखा रहा है 12:15, तो 12:15 तक हम घर पहुँचेंगे मतलब होटल पहुँचेंगे। आज लगभग गाड़ी हमारी 350 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, अयोध्या आना जाना लगभग लखनऊ से 350 के करीब, 325 के करीब तो पड़ता ही पड़ता है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हम थोड़ा सा अयोध्या में भी घूमे थे, बट हाँ आज हमारी गाड़ी 350 किलोमीटर के आसपास तो चली चुकी है। ये सारा एरिया है गोमती नगर का, गोमती नगर लखनऊ में बहुत ही फेमस जगह है, मतलब बहुत ही पॉश एरिया आप कह सकते हो। रात को अभी भी 11:30 हो रहे हैं और 11:30 बजे भी आप देखो कितनी रौनक है। ये है लखनऊ का मिनी गुड़गांव कह सकते हो आप, लखनऊ में ये मिनी गुड़गांव है, बियर कैफ़े, फर्जी कैफ़े, बहुत सारे आपको यहाँ पे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। अगर आपको नाइट लाइफ इंजॉय करनी है लखनऊ में तो आप यहाँ पर आकर के इंजॉय कर सकते हो। इस बिल्डिंग को कहते हैं समिट बिल्डिंग, सुमित भी पढ़ेंगे कई लोग, पर ये समिट बिल्डिंग है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, हम भाई
करने आए थे, लिए चल रहे हैं क्योंकि रास्ते में करना अच्छा नहीं लगता वो ना। तो अब यहाँ पे आए हैं तो फिर आपको बता भी दिया कि यहाँ पे क्या होता है। हमारा होटल रह गया है 10 से 15 किलोमीटर, टाइम हमें दिखा रहा है 15 से 20 मिनट का। इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी है? रिवर फ्रंट है ना गोमती नगर रिवर फ्रंट, जो अखिलेश जी में आया। तो यार अभी हम होटल की तरफ जा रहे थे, ये रूट हमें होटल की तरफ लेके जाता है। लाइट्स के साथ में क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार, ये बहुत ही ऑसम फील आ रहा है इसको देख करके। गाड़ी हमने साइड में खड़ी कर दी है, सोचा थोड़ी देर इसको एंजॉय करते हैं, मज़ेदार है। और एक और है वो इधर है इसके बैक साइड में, पता नहीं मुझे क्या है, बट ये लखनऊ की विधानसभा है। ये भी एक बिल्डिंग है बट ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कैसी बिल्डिंग है। लॉक्ड है बट हम अभी अंदर नहीं जा सकते, केवल प्रवेश लिखा है था। इसमें भी जो ये खूबसूरती ब्यूटी दिख रही है ना, मज़ेदार भाई, ये विधानसभा का छोटा भाई कह लो इसको। अभी मैं आपको यही बिल्डिंग दिखा रहा था और अब ये लाइटें इसकी बंद कर दी है। अभी उस बिल्डिंग की खूबसूरती की बात कर रहे थे, जैसे ही गाड़ी में बैठे थोड़े से आगे बढ़े लाइटें ही बंद कर दी वहाँ की। किस्मत बड़ी जबर थी हमारी जो हमने देख लिया और रिकॉर्ड कर लिया उसको, मजा आ गया पर देख करके, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। ये है यहाँ का कैनॉट प्लेस, मतलब आप कह सकते हो यहाँ का ये मिनी कैनॉट प्लेस है। नाइट लाइफ, लाइफ यहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, नाइट लाइफ इन द सेंस कुछ कुछ दुकानें खुली हुई है। यहाँ पे एक रॉयल कैफे नाम से एक बहुत फेमस दुकान है। अरे राम प्रकाश अंकल, राम प्रकाश अंकल नमस्कार, राम प्रकाश अंकल। ये है हसरतगंज का मेट्रो स्टेशन, ये भी लाइटों से जगमगा रहा है पूरा। एक यहाँ पे शुक्ला चाट हाउस है और ये बॉम्बे सैंडविच, मैं सोच रहा हूँ ये बॉम्बे सैंडविच वाले से ना बम्बई वाला सैंडविच ले लूँ एक। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था तो अब आइसक्रीम ले रहे हैं, जाते जाते आइसक्रीम खा लेंगे बस। आ गए हैं होटल में, ये सैंडविच लिया था, अब ये सैंडविच खा रहे हैं। खाने का ऑर्डर कर दिया है, खाना अभी आएगा और फिर खाएंगे। भाई मेहनत बहुत है यार, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ यार मैं। एक लाइक तो बनता है यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, मेरी शक्ल देख रहे हो ना, सिर्फ आप लोगों का प्यार है जो मुझे यहाँ तक लेकर आ गया। पर गर्मी भी बहुत हो रही है यार यहाँ पे। देखते हैं कल का क्या प्लान बनता है, सुबह बनाएंगे अभी तक यार, अभी तक का तो कोई प्लान नहीं है। सुबह उठेंगे जल्दी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। कहाँ जाएंगे सुबह कल?